नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों की ओर। सीएम योगी गोरखपुर के दौरे पर है, जहां उन्होंने आज जनता दरबार लगाया है और बड़ी दूर दूर से लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। वहीं सीएम योगी ने फरियादियों की समस्या सुनी और अधिकारियों को समस्याओं को निस्तारित करने के निर्देश दिया। बता दें कि इससे पहले सीएम योगी गुरुवार शाम रामगढ़ ताल सर्किट हाउस रोड पहुंचे, जहां सीएम ने आर्यवर्त पेट सिटी पर MRI सेंटर का उद्घाटन किया। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह अयोध्या पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में विधायकों और भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में जल शक्ति विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक के बाद स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम योगी का सपना है हर घर तक पानी पहुंचाना है और सभी घरों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है और 2024 तक सभी घरों को पानी पहुँचाना लक्ष्य। इस समय आदरणीय जो मोदी जी का सपना है, आदरणीय योगी जी का जो सपना है कि प्रत्येक घर को पानी देना है, 2024 तक सभी घरों को पानी मिल जाए, स्वच्छ नल से पानी मिल जाए और शुद्ध पानी मिल जाए, क्योंकि पानी यदि शुद्ध मिलेगा तो उनका जीवन सुरक्षित रहेगा, वह स्वस्थ रहेंगे। और 70 सालों बाद कोई सपना देखा है तो आदरणीय मोदी जी का सपना है कि सभी के घरों में, देश के और उत्तर प्रदेश के सभी घरों में स्वच्छ पानी। मैं सोचता हूँ अयोध्या थोड़ा और जल्दी हो जाए, इसीलिए आज बैठक लेने आया था। टेल तक पानी पहुँच जाए और सभी तालाब 15 मई तक यहाँ के जो अपने सिंचाई विभाग द्वारा और ट्यूबवेल द्वारा जो पानी भरे जाते हैं तालाब को, वो 15 मई तक सभी तालाब भर दिए जाएँ, कम से पशु पक्षी जानवर भी पानी पी सकें इस गर्मी में। मथुरा के नौझील थाना क्षेत्र में हत्या की सनसनीखेज वारदात हुई है। गुरुवार को गांव मुबारकपुर में शादी समारोह के दौरान दुल्हन की हत्या कर दी गई। बताया गया है कि एक तरफा प्यार में युवक ने दुल्हन को गोली मारी है, इसके बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। कहाँ के रहने वाले हो? मुबारकपुर का रहने वाला। क्या घटना हुई आपके यहाँ? मेरी बेटी की शादी जी जयमाला पढ़ के मेरी बेटी घर गई जी, और घर गई कुर्सी पर बैठी कमरे में, एक अज्ञात व्यक्ति आया, उसने मेरी बेटी के ये आँख के बगल में गोली मारी जी, और गोली मारते मेरी बेटी खत्म हो गई। मैं उसे लाया पकड़ के, तो पुलिस को सूचना दे दिया? पुलिस को सूचना दे दी। क्या कह रही है पुलिस इस मामले में? पुलिस घटना अधिकारी कार्रवाई करेंगे। आज प्रातः थाना नवझील क्षेत्रांतर्गत ग्राम मुबारकपुर में एक वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान काजल डॉटर ऑफ कुबीराम की गोली लगने से मृत्यु कारित हो गई है। इस प्रकरण में जांच की जा रही है। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करते हुए दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कठोर विधि का और बिहार के कुख्यात बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 4 बदमाश घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने 4 को पकड़ लिया है। बता दें कि सभी बदमाश बिहार के कटिहार क्षेत्र से गोरखपुर और पूर्वांचल के विभिन्न जिलों में आकर लूट व टप्पेबाजी की घटना को अंजाम देते थे। इसके साथ ही बदमाशों के पास से पिस्टल, तमंचा, कारतूस, नकदी, बाइक और मोबाइल बरामद की गई है। में पुलिस चेकिंग के दौरान पुलिस को 4 युवक 2 बाइक पर नज़र आए, जिनको कि रोकने का इशारा करने पर उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। इस पर पुलिस पार्टी ने पीछा किया और उनकी घेराबंदी करके पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ हुई, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और 4 बदमाशों को भी पुलिस की गोली लगी है। सभी घायलों का इलाज करवाया जा रहा है। ये 4 बदमाश जो हैं बिहार के कटिहार के रहने वाले हैं और यहाँ पर ये कुछ घटना करने के इरादे से आए थे। इनके पास से 2 पिस्टल और 1 तमंचा बरामद हुआ है। जो 1 पिस्टल बरामद हुई है वो ग्लॉक पिस्टल है, जो कि इन्होंने कुशीनगर से लेना बताया है। और इसमें जो अभियुक्त हैं वो पूर्व में जेल भी गाजियाबाद में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की इस कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने मुठभेड़ में 2
के बाद दो बदमाशों को दबोच लिया। दरअसल थाना कौशाम्बी पुलिस चेकिंग के दौरान बाइक सवार दो बदमाशों को रोका तो बदमाश ने तेजी से मोटरसाइकिल भगाते हुए पुलिस पर फायर करते हुए भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर बदमाशों पर फायर किया। इस जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हो गया, वही दूसरा जो गाड़ी चला रहा था पुलिस ने उसे भी दौड़ाकर गिरफ्तार कर लिया। आरोपितों के कब्जे से अवैध हथियार और लूट के मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। आज रात्रि में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार चेकिंग चलाई जा रही थी पूरे जनपद में, उसमें यूपी गेट पे प्रभारी निरीक्षक कौशाम्बी द्वारा चेकिंग की जा रही थी, जहां उन्होंने दो बाइक सवार जो कि स्प्लेंडर गाड़ी से थे रेड कलर की, उनका भागने लगे और उन्होंने आगे मैसेज प्रसारित किया जहाँ पे वैशाली चौकी चार सॉफ्टिक्स मॉल पर चेकिंग कर रहे थे, उनके द्वारा उस बाइक सवार का पीछा किया गया और कौशाम्बी टीम द्वारा घेराबंदी की गई। 2-5 की पुलिया पर अचानक वो पीछे मुड़ के पीछे बैठे हुए बदमाश द्वारा फायरिंग की जाने लगी, उसको पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। उस जवाबी फायरिंग में समीर मलिक नाम का बदमाश जो पहले से ही 307 में थाना स्थानीय से वांटेड था, उसके पैर में गोली लगी और दूसरे बदमाश भागने लगा, जिसे पुलिस टीम द्वारा दौड़ाकर पकड़ा गया। घायल बदमाश के पास पिस्टल थी और जो दूसरा बदमाश काशिफ है उसके पास से तमंचा बरामद हुआ। कोरोना के बढ़ते मामले व चौथी लहर को मद्देनजर स्थानीय प्रशासन भी इससे निपटने की तैयारी में जुट गया है। सभी सरकारी अस्पतालों में इलाज की सुविधा के लिए चाक चौबंद व्यवस्था करने का आदेश दिया गया है। कोरोना की चौथी लहर के साथ ही एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है और जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की तैयारी के निर्देश दिए गए हैं। वहीं CHC अधीक्षक डॉक्टर अमल पटेल ने कहा है कि कुछ दिनों में कोविड के मामले बढ़े हुए हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क है। इधर कुछ दिनों में कोविड के केसेस थोड़ा बढ़े हुए हैं, इसको लेकर के हम पूरी तरह से सजग हैं, सतर्क हैं। हमारे यहाँ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में, और 10 बेड हमने लगा रखे हैं कोविड के लिए स्पेशली। यदि कोविड के पेशेंट आते हैं तो इनिशियली 10 बेड हमारे प्रिपेयर हैं, यदि केसेस ज़्यादा बढ़ते हैं तो बेडों की संख्या हम और बढ़ा देंगे। हमारे हर PSC में, जो हमारे 5 PSC हैं, हर जगह ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हम वहाँ पर भी पेशेंट शिफ्ट करके वहाँ पर भी मैनेज कराएंगे। जी सर, तो अपने अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर की क्या व्यवस्थाएं हैं? हमारे यहाँ 8 ऑक्सीजन सिलेंडर हैं जो भरी हुई पोजिशन में हैं, और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर्याप्त। खबर गाजियाबाद से, जहां महज 30 रुपए के लिए के युवक की लोहे की रॉड और ईंट से पीट पीट कर हत्या कर दी गई, जबकि युवक का कसूर बस इतना था कि उसने 3 लोगों को शिकंजे दी थी और उससे पैसे मांग लिए। इसके बाद तीनों युवक ने उसे बेरहमी से मार डाला और जैसे ही इस घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को हुई, उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया, क्योंकि मृतक घर का अकेले कमाने वाला था और उसका एक 9 साल का बेटा भी था। और क्या बोलते उसको, न्यू के ऊपर लड़ाई हुई थी, उन्होंने मार पिटाई बहुत ज़्यादा की हुई उनके साथ। हम हॉस्पिटल लेके गए थे, फिर उसके बाद कोई सुनवाई कुछ नहीं हुआ हमारा। आपका एक बेटा कितनी मदद? 9 साल का। आप किराए पर रहते हैं? अपना मकान किराए पर रहते हैं। अच्छा, पुलिस कुछ कह रही है? पुलिस ने कुछ अभी तक कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, एप्लीकेशन भी लिखी। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? मुझे ये चाहते हैं, मुझे इंसाफ मिल जाए, मेरे पति था, मेरे बच्चा है। रात्रि में श्रीमती ज्योति ने थाना नंदगांव में यह कहनी थी कि उनके पति गौरव कश्यप, जो कि हिंडन रिवर मेट्रो स्टेशन के पास जो है शिकंजी जलजीरा की दुकान लगाते हैं, उनके पास कॉफी जो कि रिक्शा चलाता है तो अन्य व्यक्तियों के साथ आया और गौरव से शिकंजी लेकर पी। जब गौरव ने उनसे पैसे मांगे तो इनमें आपस में विवाद हो गया और गौरव को इन लड़कों ने पीटा और उसको गंभीर अवस्था में जो है। अलीगढ़ के रामघाट रोड इलाके के एक नर्सिंग होम में प्रसव के बाद महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर डॉक्टरों के खिलाफ हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि शुरुआत में डॉक्टरों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और देर शाम तबीयत ज़्यादा बिगड़ने पर महिला को मेडिकल कॉलेज भेजने लगे। वहीं परिजनों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी, पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। घबराहट हुई थी मेरी भाभी के लिए बहुत, हमने बोला था नर्स से कि डॉक्टरनी को बुलाओ, उन्होंने डॉक्टरनी को नहीं बुलाया, वो बोली ऐसे घबराहट होती रहती है इनके लिए।
मैंने कहा ये पानी पानी मांग रही है, इन्हें पानी आनी पिलाओ। हमने कहा थोड़ा ढक्कन पिला दो, मैं ढक्कन मत पिलाना, इन्हें को होठ गीला कर दो। भैया करी दी भाभी दीदी मेरी बहुत तबियत खराब हो रही है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे घबराहट हो रही है। तो मैं तो घबरा मत दी, नमस्ते टाटा बाय बाय, मैं अपनी बचूंगी, मैं जा रही हूँ। मैंने ऐसा चौक कह रही है, पैर फेंक रही है, हाथापाई कर रही है, मैं फिर भी कह रही हूँ डॉक्टर नहीं को बुला, डॉक्टर नहीं को बुला। सीरियस डॉक्टर नहीं, डॉक्टर क्यों नहीं आ रही यहाँ पर, मगर कोई नहीं आया। अच्छा कब भर्ती किया था आपने? आज सवेरे। अच्छा बच्चा बच्चा क्या क्या पैदा हुआ? लड़की हुई है। लड़की सही है? लड़की सही है। तो इसमें किसकी लापरवाही रही? डॉक्टर नहीं। स्पीकर विवाद के बीच ईद से पहले आज अलविदा जुमे की नमाज अदा की गई। जुमा अलविदा और ईद की नमाज का समय शहर मुफ्ती खालिद हमीद ने मुकर्रर किया है। वहीं नमाज के समय मुकर्रर करते हुए शहर के मुफ्ती ने एक पत्र जारी किया है, जिसमें जुमा अलविदा की नमाज और ईद की नमाज का समय मुकर्रर करते हुए अलीगढ़ की आवाज़ से सड़कों पर अलविदा जुमा और ईद की नमाज नहीं पढ़ने की अपील भी की गई है। देखिए कल मैंने बयान भी जारी किया है, अखबारात को भी लिख दिया गया है, उर्दू में भी हिंदी में भी, ताकि सबको ये मालूम हो जाए। आज जो अलविदा है और लोगों के जज्बात हैं, दो साल के बाद जो मौका मिल रहा है, लेकिन मैंने ये बार बार ताकीद की जाती रही है। आज फिर कल फिर मैंने ये ताकीद की है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि बड़े इज्तम ना हो। खबर संभल से है, जहां चंदौसी पुलिस ने 5 दिन पहले हुई हत्या का खुलासा किया है। वहीं मामले में पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया था। अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि 24 तारीख की रात को करीब 11:30 बजे मृतक को नशा कराने के बहाने से अपने साथ बहजोई शादी समारोह में लेकर चंदौसी मौलागढ़ लेकर गया था, फिर उसे गांजा और शराब पिलाई थी। फिर मेरे भाई राहुल ने विनोद के सिर पर पीछे से ईंट से वार कर दिया, जिससे उसकी हत्या हुई थी। बता दें कि मृतक के पिता ने पुलिस को मामले की सूचना दी थी। यह सूचना मिली थी कि चंदौसी के पास में रेलवे ट्रैक पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस के द्वारा मौके पर जाकर इसमें FIR पंजीकृत की गई। इस FIR में एक व्यक्ति जिसका नाम रविंद्र है, ये संज्ञान में इसका आया कि ये मृतक का जानने वाला था। मृतक विनोद जो कि बहजोई कस्बे का रहने वाला है, इसका जो अभी अपराधी पकड़ा गया है, इसकी विधवा भाभी के साथ अवैध संबंध था। इसी बात से नाराज होकर इस रविंद्र के द्वारा विनोद की हत्या ईंट से सर कुचलने से की गई। उसके बाद इन्होंने किसी एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर इसके शव को रेलवे ट्रैक पर रखा। दूसरा अन्य व्यक्ति अभी हम लोगों की जाँच पड़ताल में इसके भाई का नाम राहुल जो सामने आ रहा है, इसके बारे में अभी तफ्तीश की जा रही है। एक रविंद्र पुत्र प्यारे लाल निवासी मोहल्ला नई बस्ती कस्बा बहजोई, इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। कलेक्ट्रेट सभागार बहजोई में उद्योग बंधु व्यापार बंधु की बैठक जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें उद्योग बंधुओं ने उनके कार्य में आ रही समस्याओं से जिलाधिकारी को अवगत कराया गया। संबल बहजोई रोड पर सरायतरीन में नाला निर्माण, चंदौसी रोड स्थित फैक्ट्री में पानी भरने के कारण नुकसान और औद्योगिक क्लस्टर नगर नियोजन गंगा एक्सप्रेसवे के पास इंडस्ट्रियल एरिया कॉमन फैसिलिटी सेंटर समेत कई समस्याओं को शीघ्रता से निस्तारण कराने के संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। वहीं बैठक के अनुपस्थिति होने के कारण XCN जल निगम को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उत्तर भारत समेत देश की राजधानी में गर्मी का कहर लगातार चरम पर बना हुआ है। इन दोनों अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार मापा जा रहा है, जिसके चलते कई राज्यों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। IMD के अनुसार दिल्ली में मौसम साफ रहेगा और तेज धूप निकलेगी, जिसकी वजह से अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज होने की संभावना है। और यूपी में भीषण गर्मी का दौर चल रहा है और तापमान को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य में 2 मई के बाद गर्मी से थोड़ी राहत देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 2 मई के बाद पारा गिरकर 36 डिग्री तक आ सकता है। आज की अगर बात करें तो राज्य के अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान 43 डिग्री रह सकता है, तो वहीं न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रह सकता है।
उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ हो रही कार्रवाई के बाद बलिया में प्रशासन ने गरीबों के घर पर ही बुलडोजर चला दिया, जिसमें गरीबों का आशियाना धराशाही हो गया और पीड़ित का रो रो कर बुरा हाल हो गया। जबकि पीड़ित का कहना है कि बिना नोटिस के ही उनके घर पर बुलडोजर चला दिया गया और जैसे ही यह मामला विधायक को पता चला, विधायक ने तहसीलदार को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पूरा मकान गिरा दिया होता तो तहसील में आग लगा देते। कि कुछ फरियादी मेरे पास सुबह आए हाँ। और उन्होंने ये बताया कि हमारे परदादा ने बिना जानकारी के बिना एक सौर की ज़मीन होती है, हर गांव में अमूमन होती है, वो ज़मीन ऐसी होती है जहां बच्चों को पहले पुराने ज़माने में लोग महिलाएं पैदा करती थी तो वो ज़मीन उसके लिए बुक हो जाती है, तो उनके परदादा ने जानकारी के अभाव में वहाँ पर एक मकान बना लिया। अब जो है जब सारी जानकारियाँ हो रही हैं, सरकार हमारी बहुत एक्टिव है हर सरकारी ज़मीन के लिए, तो ये पता चला कि उनका वहाँ मकान बना हुआ है। वो बेचारे उनका बंदर कूद गया तो छप्पर टूट गया था, तो वो अपनी छप्पर ढा रहे थे, तो बिना किसी नोटिस के वहाँ पे कुछ अधिकारी पहुँच गए बुलडोज़र लेकर और उसके घर को बुलडोज़र चला दिया उसके घर के ऊपर, जिसमें कुछ उसका हिस्सा टूट गया। और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का साफ ये कहना है कि किसी भी गरीब के घर पर या उसके किसी रोजी रोटी पर आप बुलडोजर नहीं चला सकते हैं। हमारा कुछ पता नहीं है, किसी से कोई से बात विचार नहीं है। पुलिस गम्छो आ गए, पर्णपाल भी आ गए, हम लोग घर में घुस गए, हमारा आदमी के मारने लगे डंडा डंडा से। विकलांग आदमी है, बंदर के हड्डी लगे, हम रोने लगे, रोते रोते हम बेहोश हो गए। हम कल के नहीं जाने कि हमारा दरवाजा पर आयल के द्वार पर आयल की विधायक जी आए हमारा मकान बचे मतलब। खबर फिरोजाबाद से है, जहां विकास खंड नारखी के उच्च प्राथमिक विद्यालय चौधरी में बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापक सतेंद्र पाल ने महिला प्रशिक्षु के साथ छेड़छाड़ की, जिसकी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी अंजलि अग्रवाल ने आरोपी शिक्षक को सस्पेंड कर दिया। उनके द्वारा प्रधानाध्यापक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया, इस संबंध में तत्काल ही तहरीर प्राप्त करके संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है, प्रयास जारी है हमारा और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। विद्यालय जौंधरी सेकंड विकासखंड नारखी में एक मामला संज्ञान में आया है, जिसमें डीएलएड की एक प्रशिक्षु है नर्मदा, उनके द्वारा जो है वो वहाँ के प्रधानाध्यापक पर अपने साथ छेड़खानी करने का आरोप लगाया गया है और संबंधित थाने में तहरीर भी दी गई है। इस संबंध में मेरी सीओ सर से बात हुई है, उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि एफआईआर दर्ज हो गई है, उसमें अब संबंधित प्रधानाध्यापक के खिलाफ। सीएम योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व वाली यूपी सरकार ने राज्य में अवैध लाउडस्पीकरों पर एक नया निर्देश जारी किया है। इसी कड़ी में औरैया एयरक्वार्टर थाना क्षेत्र में शासन के आदेशों के विपरीत लगाए गए लाउडस्पीकर को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। इस मामले में जिला प्रशासन के अधिकारियों ने अफसरों को सरकार के आदेशों का कड़ाई से पालन कराने को कहा है। अब तक की खास खबरों में इतना ही, देश दुनिया की और ताजातरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।